फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप ये सारे बैग्स देखकर सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, हम सब जा रहे हैं सिकंदराबाद हैदराबाद, और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है। और सिकंदराबाद जाने का रीज़न हमारा ये है फ्रेंड, जो कि सुमेध जी है, उनकी छोटी सिस्टर सुमेघा यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, वो जॉब करते हैं सिकंदराबाद में, और उनका बर्थडे है कल। तो इसी के लिए हम सब जा रहे हैं ताकि हम उनका बर्थडे अच्छे से मिलकर सेलिब्रेट करें। और हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद के स्टेशन पर फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यहाँ से हम निकलेंगे बाहर स्टेशन के, और स्टेशन से बाहर जाते समय इतनी रश हमें मिली फ्रेंड्स, देख सकते हो। और ये है सिकंदराबाद का स्टेशन, यहाँ से हम रिक्शा लेकर जाएंगे सुमेघा के रूम पर, और यही वह घर है फ्रेंड जहाँ पे सुमेघा रेंट पे रूम पे रहते हैं। और ये देखिए, ये है उनका रूम, यहाँ पे ऑलरेडी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ लग रहा है कल रात में उनके दोस्तों द्वारा। और ये देखिए, ये है मेरी सासू जी जो कि जा रहे हैं सुमेघा को बर्थडे विश करने के लिए, और सुमेघा को प्यार से फ्रेंड्स गुड़िया कहते हैं हम सब। तो आप सभी देख सकते हो, ये है गुड़िया की भाभी यानी कि मैं, और ये है गुड़िया के पप्पा जी, गुड़िया के बड़े भाई जो बर्थडे विश कर रहे हैं, और सबसे बड़ा गिफ्ट उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड नमो, जो गुड़िया को बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये गुड़िया के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था फ्रेंड्स। और यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट देने का कार्यक्रम चल रहा है, देख सकते हो ये गुड़िया के मम्मी जी ने उन्हें गिफ्ट किया है ड्रेस, और एक ड्रेस देख सकते हो, दो दो ड्रेस गुड़िया को बर्थडे गिफ्ट में मिला उनकी मम्मी की तरफ से, देख सकते हो कितने सुंदर ये ड्रेस है फ्रेंड। और उसके बाद गुड़िया के पापा ने उन्हें दिया सोने के इयररिंग्स, OMG, और एक वाव, गुड़िया को मिले हैं प्यारे प्यारे इयररिंग्स गोल्ड के फ्रेंड्स, और देखिए और एक इयररिंग फ्रेंड, OMG, तीसरी गोल्ड के इयररिंग्स, वाव, गुड़िया के भी लॉटरी लग गई, देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू कहा जा रहा है अपने मम्मी पापा को। और ये है गुड़िया की चाइल्डहुड फ्रेंड नमो, उन्होंने उन्हें गिफ्ट दिया है, और वहाँ पे कुछ ड्राइंग कार्टून बनाया गया है फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे, इसलिए हंसा जा रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे गिफ्ट ओपन किया जा रहा है, आप सभी देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे गेस करने का गेस कर रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या गिफ्ट हो सकता है। तो देखिए ओपन करते ही देखिए इतने प्यारे से सुंदर से सैंडल फ्रेंड, जो कि उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट किया है, देखिए कितना प्यारा सा है। और ये है गुड़िया की कलीग और रूममेट जो साथ में काम भी करते हैं और रूम पे भी साथ में ही रहते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो उन्होंने भी कुछ गिफ्ट दिया है, OMG चॉकलेट। उसके बाद निकला प्यारा सा सुंदर सा टॉप फ्रेंड, देख सकते हो कितना सुंदर सा ये टॉप है। उसके बाद ये है सुमेध जो कि गुड़िया के भाई, उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया है, देखिए ये है पैंट, और ये है टॉप फ्रेंड्स यानी कुछ वेस्टर्न टाइप का ही ड्रेस किया है, ये देखिए इनकी मस्ती, हर भाई बहन में यही होता है फ्रेंड्स, देखिए बेचारी बहन हार रही है, भाई देख सकते हो भाई किस तरीके से बहन को मार रहे हैं, बहन के हाथ में कुछ नहीं मारने के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये उनकी भाभी की तरफ से यानी कि मेरी तरफ से, पता नहीं उन्हें पसंद आया होगा, ये देखिए फ्रेंड्स थैंक यू कहा जा रहा है। और ये देखिए उनके बर्थडे गिफ्ट का कलेक्शन फ्रेंड्स, कितना सारा कलेक्शन, OMG, इतना सुंदर कलेक्शन। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी गर्ल्स रेडी हो रहे हैं, देख सकते हो किस तरीके से हमारी गर्ल्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, और साथ ही साथ आज की बर्थडे गर्ल को भी यहाँ पे रेडी किया जा रहा है फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्थडे गर्ल किस तरीके से रेडी हो रही है। तो हमने सुना फ्रेंड्स, न्यू ईयर में ही एक महाबुद्धि विहारा है जो कि अभी न्यू बना है, तो हम सब पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे वंदना करेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर जाएंगे पार्टी करने बाहर। और हम सब रेडी होकर निकल चुके हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये है नमो, और ये मैं हूँ फ्रेंड्स, और ये है सुमेध जी, और यहाँ पे आज की बर्थडे गर्ल है गुड़िया, और वो है कावेरी, और ये है मेरे सासू ससुर जी फ्रेंड्स। और नियर में ही एक छोटा सा पार्क है फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने ओला बुक किया है, बट ओला आने तक हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है फाइनली हमारी ओला आ चुकी है फ्रेंड्स, और हम सब निकल चुके हैं बिहारा की तरफ, और हम सब बैठ चुके हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो ये मेरी फैमिली, हम इसमें बैठे हैं, बहुत ही
एंजॉय कर रहे हैं। तो आपसे मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। आप सबको मिलती हूँ बुद्ध विहारा पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बुद्ध विहारा, यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हो व्यू कुछ इस प्रकार का है बुद्ध विहारा का, जो कि महेंद्रा हिल्स में आएगा फ्रेंड्स ये लोकेशन। और यहाँ से हम जा रहे हैं बुद्ध विहारा के ऊपर, यहाँ से हम चढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे समाधि है फ्रेंड्स भिक्षु की। और ये देखिए ये है बुद्ध विहारा जो कि बहुत ही ऊपर है। चढ़ते चढ़ते फ्रेंड्स पैर की हालत ख़राब हो गई और यहाँ पे हम बुद्ध विहारा में एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए व्यू कुछ प्रकार का है बुद्ध विहारा का। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू है फ्रेंड्स, तो आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पे हम अभी वंदना करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स तथागत गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा कितना सुंदर है और यहाँ पे वंदना किया जा रहा है फ्रेंड्स। और वंदना के बाद फ्रेंड्स हमारी एक फैमिली ट्रिप निकाली गई गौतम बुद्ध जी के साथ। और ऊपर से देख सकते हो व्यू कुछ प्रकार का दिखता है सिकंदराबाद का फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रतिमा की फ्रेंड्स गौतम बुद्ध जी की। और ये है बुद्धा धातु स्तूपा, तो आप सभी स्तूपा को देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा ये स्तूपा है। और ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स को देख कर कि ये बहुत ही प्राचीन काल का है। और इसकी जो मुद्राएं बनाई हुई है ये भी बहुत प्राचीन काल की मुद्राएं, मतलब चित्र है फ्रेंड्स। तो स्तूपा के चारों तरफ इसी तरीके की मुद्राएं, मतलब कि चित्र बनाया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम पहुँचे नियर के एक शॉप जो कि प्रतिमा धम्मा आर्ट्स है, जहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही अलग अलग तरीके के गौतम बुद्ध जी की सारी जो अवेलेबल है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएँ, स्टैचू, उनकी तस्वीरें, मेनबत्ती की चेन्स, यहाँ पे बहुत ही वेराइटीज अवेलेबल है फ्रेंड्स गौतम बुद्ध जी की। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप सभी भी इस गौतम महाबोधि टेम्पल विजिट करोगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स शॉप में आना ना भूलिएगा, क्योंकि इस शॉप में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है कि आपको सुकून सा महसूस होगा फ्रेंड्स। तो इसी के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी यहाँ पे एक ना एक बार विजिट ज़रूर करें। और यहाँ पे हमारे फैमिली द्वारा कुछ चीज़ें ली गई है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो ये इस तरीके की चीज़ है। देखिए ये इस तरीके का चीज़ यहाँ पर अवेलेबल था फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो प्रतिमा टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, बस बुकिंग, आपको जो भी यहाँ पे बुकिंग करना हो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अगर मनी एक्सचेंज भी करना हो तो भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम पहुँचे और डार्लिंग रेस्टोरेंट फ्रेंड्स, तो देख सकते हो ये है डार्लिंग मंडी एंड रेस्टोरेंट। तो ये है डार्लिंग फोर्थ फ्लोर पे, तो अभी हम सब जाएंगे उधर। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मंडी, और डी का मतलब है डार्लिंग। तो चलो फ्रेंड्स हम सबका वेलकम किया जा रहा है डार्लिंग में, तो हम सब जाते हैं अंदर। और व्यू देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया फ्रेंड्स डार्लिंग का ये व्यू। तो यहाँ पे जो सिटिंग सेक्शन था ये भी बहुत अलग अलग तरीके का था, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको पसंद आए आप वहाँ पे बैठ के अपना डिनर कर सकते हो। और उसके बाद हम जा रहे हैं फ्रेंड्स नियर में ही, मतलब डार्लिंग में ही यही रेस्टोरेंट में एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन का हॉल है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा सा ये डेकोरेशन आई लव डार्लिंग लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और उसके बाद देख सकते हो सब अपना स्थान ग्रहण करके खाना खा रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा ये खाली था तो हमने इसे बुक कर लिया फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम अपना पार्टी इंजॉय करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना पार्टी एंजॉय करेंगे। ये देखिए हम अपना स्थान ग्रहण किए हैं और यहाँ से व्यू देखिए फ्रेंड्स बाहर का सब व्यू, यानी जो कि रोड का व्यू दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने बर्थडे केक सेलिब्रेट किया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमेघा।
यहाँ पे ये है मेरी फैमिली जो हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे केक कटिंग किया जा रहा है। और देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे केक खिलाया जाएगा अपने मम्मी पापा को। तो ये है गुड़िया के मम्मी पापा जी जो केक खा रहे हैं। उसके बाद है बारी गुड़िया के भैया भाभी यानी कि मैं और सुमित जी, और ये है गुड़िया की रूममेट और कलीग कावेरी, और ये है गुड़िया की चाइल्डहुड फ्रेंड नमो, और इनकी मम्मी देखिए ये गुड़िया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, उन्हें पता नहीं था कि नमो आ रही है उनकी बर्थडे पार्टी में। तो देख सकते हैं उन लोग का एंजॉय फ्रेंड्स, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सॉन्ग्स भी बज रहे थे फ्रेंड्स रेस्टोरेंट की तरफ से, बट कॉपीराइट इशू के वजह से मैं यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं अपलोड कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने सॉन्ग को रिमूव कर दिया है। अगर सॉन्ग्स इसमें होते फ्रेंड्स तो सोने पे सुहागा हो जाता, बहुत ही अच्छा लगता। तो ये डार्लिंग रेस्टोरेंट जो था फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छी थी, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए ये है डार्लिंग का मेन्यू कार्ड, तो हमने यहाँ पे मंडी मंगाया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ये है मटन सूप फ्रेंड्स जो कि मंडी के साथ मिला है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो यहाँ पे मेरी फैमिली सब इंजॉय कर रही है, मैं मटन सूप नहीं फ्रेंड्स और ना मैं मटन खाती हूँ। तो ये देखिए ये है सुमेध जी, तो यहाँ पे सब हमने खूब इंजॉय किया फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये है मेरी फैमिली, बहुत इंजॉय किया यहाँ हमने, और अच्छा लगा फ्रेंड्स हमें डार्लिंग रेस्टोरेंट में आकर। और ये देखिए ये है, फिर हमने स्टार्टर में मंगाया चिकन लॉलीपॉप, और यहाँ पे हमने चिकन लॉलीपॉप भी बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा। देख सकते हो ये है मंडी जो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मटन पीस चिकन पीस एग पीस मच्छी सब इसमें होते हैं, और इसको कहते हैं मंडी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी प्लेट बनाई जा रही है, टेस्ट बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स, इतना ऑसम था कि आपको क्या बताऊँ। अगर आप हैदराबाद से हो या हैदराबाद आओगे तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करना मत भूलिएगा। देखिए इतना टेस्टी था कि हम सबका प्लेट खाली हो चुका है फ्रेंड्स, आप सब सोच सकते हो कितना टेस्टी था। और जाते जाते हमें मिले छोटे से प्यारे से फिश, और फिश मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने बहुत ही बढ़िया खाना खा लिया है, और आज का बर्थडे पार्टी भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। तो इस ब्लॉग को जो है फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।